सुना था तुम्हें पकड़ना नामुमकिन है। आरसी इतनी तेज और चालाक है कि उसे पकड़ ही नहीं सकते। पर देखो तो आरसी, मैंने इतिहास बदल डाला और तुम मेरे सामने हो। पता है मुझे ऑटोबॉट्स का एक एनक्रिप्टेड सिग्नल मिला है, और वो एनक्रिप्टेड है तो बेहद जरूरी होगा। उसे मेरे लिए डिकोड कर दो और शायद मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर ना मारूं। जोर से बोलो, मुझे तुम्हारा बड़बड़ाना समझ में नहीं आया। यहां से दफा हो जाओ। शायद तुम अपना मुंह तब खोलोगी जब तलवार तुम्हारे नहीं किसी और के सिर पर टंगी हो। आरसी, कैसी हो? मुझे वो कोड बता दो, नहीं तो तुम्हारी ये दोस्त क्लिफ जंपर का नाम बाकी शहीद ऑटोबॉट्स में शामिल हो जाएगा। जो करना है करो, मैं इसे जानती तक नहीं। अच्छा हुआ मेरा दिल मजबूत है, वरना टूट जाता। वैसे भी साइबरट्रॉन पर दफन करने के लिए जगह बहुत कम है। मुझे वो कोड बता दो। मैं तुमसे नहीं डरती स्टारस्क्रीम, तुम मेगाट्रॉन नहीं हो। सिर्फ 3 कदम बल्कहेड, तुम बस इतना ही चल पाए? माफ करना मीको, पैर बहुत दुख रहे हैं। मैंने तुमसे क्या कहा था? बहाने मत बनाओ। बिल्कुल सही, फिर से चलो, इस बार 10 कदम चलना है। उम्मीद है आयाकॉन के डेटाबेस को डिकोड करने का काम बल्कहेड की तरह धीमा नहीं होगा। धीमा होना कोई बुरी बात नहीं है, इंसानी टेक्नोलॉजी। लेकिन तुम्हें इस काम को जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो डिसेप्टिकॉन हमें मात देने में पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। उनके पास साइबरट्रोनियन टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो पहले ही हमसे एक कदम आगे हैं। और कोशिश करो, तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। अब इसे एक ब्रेक लेना चाहिए। एक ब्रेक? तुम्हें लगता है लड़ाई के दौरान खूंखार डिसेप्टिकॉन्स बल्कहेड को ब्रेक देंगे? अगर तुम पेशेंट पर इतना ज्यादा जोर डालोगी तो उसका जख्म भरने में ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन बल्कहेड को आराम की जरूरत है। मीको? हाय आरसी, मैं तो बस। तुम बिल्कुल किनारे पर बैठी हो। मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता। बल्कहेड में काफी सुधार आया है, सब तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन इस वक्त उसे एक दोस्त की जरूरत है, एक कमांडर की नहीं। बुरा मत मानना, पर मैं यहाँ अकेले वक्त बिताने आई थी। मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। अगर तुम्हें किसी से बात करने का दिल करे तो। मैं ठीक हूँ, हार्टशेल ने मुझे नहीं किसी और को मारा था। मीको, जब किसी अपने को चोट लगती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अपने जज्बात को छुपाने से दर्द कम नहीं होता। जैसे कि तुम्हें पता है दुख क्या होता है। हाँ पता है।
आरसी, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, आज मुझे भी उसकी याद आ रही है। जब मैंने अपना पहला पार्टनर खोया था टेलगेट, उसके बाद मैं अकेली रही, फिर क्लिफ जंपर मुझे मिला। वो कैसा था आरसी? क्लिफ जंपर बड़ा ही मनमौजी और बातूनी था। क्लिफ जंपर, क्या तुम क्या बात है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? मुझे बस इस बात की फिक्र है कि कहीं तुमने अपना मुंह तो नहीं खोल दिया। तुम हमेशा इतने ही प्यार से बात करती हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मैं स्टार्स क्रीम के हथकंडों से ऊब गया था, इसीलिए मैंने बेहोशी का नाटक किया और स्टार्स क्रीम झांसे में आ गया। तुम उनके हाथ लगे कैसे? हमारे प्लेनेट में कुछ डिसेप्टिकॉन के सिग्नल मिले तो मैं उसी का पीछा करते हुए यहाँ तक आया, और यहाँ आकर मैं देखता हूँ कि स्टार्स क्रीम साइबरट्रॉन पर भारी मात्रा में एनर्जॉन लेकर आया। वैसे तुम कैसे फंसी? इसी वजह से। लगता है ज्यादा बात करना तुम्हें पसंद नहीं है। हा? मैंने सारे हथकंडे अपना लिए लेकिन कोई भी काम नहीं आया। सोच रहा हूँ दोनों को खत्म कर दूं, लेकिन उनके पास बहुत कीमती कोड है। काश मैं उन्हें खोलकर उनके अंदर से रास निकाल पाता। नहीं, मैं कैदियों को नीचे लेकर नहीं जाऊंगा। मेरी मेहनत का सारा श्रेय वो अकेला ले जाएगा। उनके पास बहुत कीमती कोड है। ठीक है, वैसे भी मुझे एनर्जॉन देने उनके पास जाना ही होगा। तो ये है केओन, हाँ? डिसेप्टिकॉन्स ने इस जगह को काफी सजा कर रखा है। इतना खूबसूरत कबाड़ तुम लाए कहां से? खामोश! ठीक नहीं लग रहा। मैं तुमसे उस एनक्रिप्टेड कोड का राज नहीं जान पाया, इसीलिए मुझे मजबूरन तुम्हें उसके हाथ सौंपना पड़ेगा, जिसके सामने गूंगे भी बोल पड़ते हैं। लगता है अब सच में हमारी हालत खराब होने वाली है। ऑटोबॉट्स, इससे मिलो, ये है शॉक वेव। जॉन का पहाड़ यहाँ तक लाना, ऑटोबॉट का एक एनक्रिप्टेड कोड हासिल करना और दो अहम कैदियों को पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है। लॉर्ड मेगाट्रॉन यहाँ होते तो खुश होकर मुझे ऐसा इनाम। तुम्हारा काम रुका पड़ा है, बेशक तुम उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। शुरू करो। शॉकवेव, क्या तुम्हें यकीन है तुम इनके न्यूरल नेट को बिना निकाले उस कोड को डिक्रिप्ट कर पाओगे? इस कार्टिकल साइकिक पैच को मैंने बनाया है, मुझसे बेहतर इसे और कोई नहीं जानता। बेशक तुम जानते हो। मुझे हाथ भी मत लगाना, बदसूरत डिसेप्टिकॉन। उसे कुछ मत करो, मुझ पर आजमाओ। फिक्र मत करो, अगर इसके बाद इसका दिमाग किसी काम का नहीं रहा तो तुम पर ही आजमाऊंगा। वो कोड। आरसी, आरसी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खामोश, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हूँ ऑप्टिमस प्राइम। जो भी बचे हुए ऑटोबॉट इस संदेश को सुन रहे हैं, वो मेरे साथ गैलेक्सी के उस छोटे से प्लैनेट पर आकर जुड़ जाएं, जहाँ एनर्जॉन की कोई कमी नहीं है।
मुझे यकीन है कि जल्द ही डिसेप्टिकॉन्स इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम छोटी है लेकिन मजबूत है। मुझे दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर आकर मिलो ताकि हम मिलकर इस जंग को खत्म कर सकें। संभल कर आना। क्या बात है, ना सिर्फ ये पता चला कि ऑप्टिमस प्राइम कहाँ है पर ये भी कि वो मदद की भीख मांग रहे हैं। यही सही वक्त है हमला करने का। अब तुम किसी काम के नहीं रहे। क्या तुम एक कैदी को तड़पाने का शानदार मौका गवाना चाहते हो स्टारस्क्रीम? शॉकवेव, एक कैदी को मारकर तुम अपना काम कर चुके हो। क्लिफ जंपर मेरा शिकार है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही, निकाल लो अपनी भड़ास। तो बताओ क्लिफ जंपर, मैं तुम्हारी खातिरदारी किस चीज से करूं? क्या मैं तुम्हें एक झटके में खत्म करूं या धीरे धीरे? तुम्हारी मर्जी स्टारस्क्रीम, लेकिन ध्यान रहे इस काम में कंजूसी मत करना। अच्छी बात है, क्यों ना मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं। नहीं, नहीं, नहीं। बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी बारी स्टारस्क्रीम, इतना एनर्जॉन किस लिए लाए हो? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। बताओ वरना सारे पुर्जे खोल दूंगी। मजाक नहीं कर रही। उसे बता देने में ही भलाई है, वरना फिर उसे मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। मैं इसे इस्तेमाल करना नहीं जानती, पर सुना है कि ये एक झटके में न्यूरल नेट उड़ा देता है। ये सब शॉक वेव का शैतानी प्लान है। वो क्योन के नीचे स्पेस ब्रिज बना रहा है। नामुमकिन, स्पेस ब्रिज टेक्नोलॉजी तो बरसों पहले खत्म हो गई है। फिर भी उसने बना लिया। शॉक वेव साइबरट्रॉन छोड़कर कभी नहीं गया। वो उन पुर्जों को तलाशता रहा जिससे वो एक स्पेस ब्रिज बना सके। और जो एनर्जॉन तुम लेकर आए हो उसी की ताकत से वो शुरू हो पाएगा। काश ये आइडिया मेरा होता, लेकिन इस बार फिर वो बाजी मार गया। तुम कहाँ जा रही हो? स्पेस ब्रिज को बर्बाद करने। मेरे बगैर? वहाँ छुप कर जाना होगा, ना कि बातें करते हुए। यानी वो बातें जिसकी वजह से स्टारस्क्रीम का ध्यान हटा और तुम उस पर हमला कर पाई। बस काम में टांग मत अड़ाना। तुम जानती हो हमें कहाँ जाना है? जंग के दौरान मेरी यूनिट ये टनल्स इस्तेमाल कर चुकी है। ये पुराने साइबरट्रॉन का हिस्सा है। हम जल्दी से स्पेस ब्रिज को बर्बाद करके ऑप्टिमस प्राइम के पास चले जाएंगे। उन्हें मेरा हेलो कहना। तुमने प्राइम का संदेश नहीं सुना? उन्हें हमारी जरूरत है। मैं अकेले काम करती हूँ। इस काम के हो जाने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जैसा तुम कहो पार्टनर। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मेरे पार्टनर नहीं हो। आरसी, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, सच में। तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। टेल गेट के बारे में। टेल गेट! लेकिन जज्बात को छुपाने से दर्द कम नहीं होता। तुमने यही कहा था ना? क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सलाह थी। अच्छा, तो मुझे जानना है आगे क्या हुआ। शॉकवेव का बनाया नया अजूबा जो तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मर्सी, ये वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो ऑप्टिमस प्राइम ने हमें भेजे थे। ये स्पेस ब्रिज वही खुलने वाला है। इसका मतलब ऑप्टिमस तक मदद पहुंचाने से पहले ही डिसेप्टिकॉन्स उन पर अचानक हमला करने की सोच रहे हैं। अगर ऑप्टिमस ही नहीं रहे तो ये जंग अधूरी रह जाएगी। हमें कुछ करना होगा। नहीं, हमारे पास ब्रिज उड़ाने जितनी ताकत नहीं है।
मुझे कंट्रोल सिस्टम में छेड़छाड़ करनी होगी। उस तक पहुंचोगी कैसे? क्या सीधा जाकर उनसे इजाजत मांगोगी? नहीं, तुम मांगोगे। कोई है? मैं अपने ग्रुप से अलग हो गया हूँ, क्या मुझे बता सकते हो डिसेप्टिकॉन का बेस कहाँ है? हो, तुम्हें कमांडर स्टारस्क्रीम ने बताया नहीं? मैं तो अब तुम्हारी तरफ हूँ। वो बुजदिल ऑप्टिमस प्राइम अपनी जान बचाकर भाग गया और हम ऑटोबॉट्स को यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं जीतने वाली टीम में रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने स्टारस्क्रीम की बात मान ली। जरा सोचो ऑप्टिमस प्राइम की क्या हालत होगी जब उसके सामने डिसेप्टिकॉन्स की फौज होगी, वो भी मेरे साथ। सच में स्टारस्क्रीम ने मुझे सब कुछ समझा दिया। अब हम मिलके काम करेंगे। लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है ना? स्टारस्क्रीम जैसे बेवकूफ के हाथों ही एक निहत्ता कैदी बच सकता है। इसमें से ऐसी आवाज आना गलत है ना? हट जा। तुमने बड़ी होशियारी से सारे कमांड्स में फेर बदल कर दिए। अफसोस, लेकिन मैं इसे सुलझा सकता हूं। कि मेरे पास कई तरीके हैं। इस बार नहीं। क्लिफ, मुझे पता था तुम्हें मेरी फिक्र है। शॉकवेव का घमंड उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। खत्म कर दो उसे। ऑटोबॉट्स, तुमने स्पेस ब्रिज के साथ जो भी किया है उसे ठीक करो। हमारी मदद चाहते हो तो शूट करना बंद करो। इस तरफ जाना तो नामुमकिन है और दूसरी तरफ एक खुला स्पेस ब्रिज है जो हमें सीधे ऑप्टिमस के पास ले जाएगा। मेरा साथ दोगी? स्पेस ब्रिज में धमाका होने वाला है। चलो इनको सबक सिखाएं। निशाना है। तुम्हें लगता है शॉकवेव बचा होगा? काश बच गया हो, उससे लड़ने में मजा आता है। चलो ऑप्टिमस को ढूंढें।
पार्टनर। यहाँ एनर्जॉन भरा हुआ है, उम्मीद है पूरा प्लेनेट ऐसा ही ना दिखता हो। मुझे इसे देखकर साइबरट्रॉन का जंग का समंदर याद आ गया, जहाँ पर मैं अपने यूनिट से जुदा हो गया था और घंटों तक बात नहीं कर पाया था। अब भी मत करो, मान भी लो तुम्हें मेरी बातें पसंद है ना? अजीब है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे क्लिफ जंपर की बातों की आदत हो जाएगी। अब मेरे कानों में सिर्फ खामोशी गूंजती है।